अब जो अगला स्फीयर हमने कैटेगराइज किया था वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो सुना हुआ नाम है, जो हमारा वातावरण है उसको हम लोग इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे लिखा है, द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्फीयर ऑफ एयर। एटमॉस का मतलब क्या होता है, एयर होता है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया, स्फीयर ऑफ एयर। द एटमॉस्फेयर इज कम्पोज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच फॉर्म एन इन्वेलप अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक इन्वेलप बना के रखता है, उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। इट इज़ अ गैसियस इन्वेलप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर तक इसका लेयर जाता है, हमारे एटमोसफेयर का लेयर है। ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमोसफेयर 99% एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है, अर्थ के सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर तक। लेकिन ज़्यादातर एयर जो है, ज़्यादातर मास जो है एयर का, वो अर्थ के सरफेस से लेकर 32 किलोमीटर के अंदर में ही है, उसके ऊपर एयर बहुत कम है। एमंग द फोर मेजर एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर इज़ द मोस्ट डायनेमिक इन नेचर। एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा डायनेमिक है, चारों एलिमेंट जो हमने पढ़ा, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा डायनेमिक यानी कि सबसे ज़्यादा मूविंग हमारा एटमॉस्फेयर ही है। वेयर चेंजेस अकर्स नॉट ओनली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर बट ऑल्सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से अ फ्यू आवर्स। हमारा एटमॉस्फेयर इतना डायनेमिक है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सीजन टू सीजन तो चेंज होता ही है, लेकिन अगर हम लोग छोटी स्केल पे देखें, अगर हम लोग कुछ आवर्स के पीरियड पे देखें, तो उसमें भी बहुत सारा चेंजेस हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग सुबह देखें तो थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, दोपहर में थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और फिर अगेन शाम में फिर से ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही डायनेमिक है। दीज सडन चेंजेस प्रोड्यूस चेंजेस इन एटमोस्फेयरिक कंडीशन, और ये जो सडन चेंज होता है इसके कारण हमारे एटमोस्फेयरिक कंडीशन में भी चेंज होता है, विच अफेक्ट आवर लाइफ बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जो कि हमारे लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है।